हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज बड़े दिनों के बाद मैं एक DIY वीडियो बना रही हूँ। काफ़ी टाइम से कोई वीडियो नहीं बनाया था। आप शॉर्ट्स के थ्रू देख रहे होगे, बट कोई एलैबोरेटेड वीडियो या फिर डिटेल वीडियो मैंने नहीं बनाया था। तो चलो ये वीडियो बनाते हैं। ये मुझे कुछ फ्रिज मैगनेट बनाने थे और मुझे थोड़ा सा मंडला आर्ट में बनाना था, तो मैंने चेकआउट किया था। काफ़ी एक्सपेंसिव थे वो अमेज़ॉन पे, तो यही मैंने ये जो वुड पैनल्स होते हैं उनको मैंने लिया। और सिंपल जो हमारा डॉट पेन होता है या फिर आप शार्पी भी ले सकते हो, जो कि एक परमानेंट मार्कर होता है, उससे भी आप इस काम को कर सकते हो। अनफॉर्चुनेटली वो क्लिप्स डिलीट हो गई हैं जब मैंने पैटर्न बनाया था। तो ये सिंपल पैटर्न मैंने ड्रॉ किया था, जो मेरे माइंड में आ रहा था मैं वो बना रही थी। तो बेसिकली ये एक काम करने के लिए प्रोसेस होता है, किसी की कॉपी करके भी बना सकते हो। कितने सारे डिज़ाइन पड़े हुए हैं नेट पर, और ये बड़ा सूदिंग सा था, एक काम करता है आपके माइंड को। इस तरह का एक प्रोसेस होता है। काफ़ी इंटीग्रेटेड डिज़ाइन बनाने की भी ज़रूरत है, क्योंकि जैसे ही हम उसको फिल इन करेंगे कलर से, वो बहुत सुंदर लगता है। ये जो मैं कलर यूज़ कर रही हूँ ये रेगुलर मार्कर्स हैं। इतने सारे मार्कर्स पड़े हैं मार्केट में, तो जब भी शॉप्स पर जाओ तो बच्चे मार्कर खरीद लेते हैं उनकी अपनी कलरिंग के लिए, तो मैंने वही वाले मार्कर्स यूज़ किए हैं। कोई स्पेसिफिक मार्कर मैंने यूज़ नहीं किया है, क्योंकि आप इस तरह के मार्कर भी यूज़ करोगे और आप उसके बाद उसको वार्निश से या फिर मॉडपॉश से अगर सील भी कर दोगे दे विल गुड टू गो। ये मैंने कुछ 3-4 डिज़ाइन बनाए थे, और बहुत बेसिक से मार्कर मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। जो भी पड़े थे मिल जाते हैं, मैंने आपको बताया। इवन आपके पास अगर कलरफुल डॉट पेन्स भी है तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है करके कि इसके बाद उसको सील ज़रूर करना है, अदरवाइज़ हमारा काम जो है वो ख़राब होने के चांसेस होते हैं, अगर कभी भी वो वाटर के कॉन्टैक्ट में आता है। ठीक है, मैं तो इसको एज अ फ्रिज मैगनेट यूज़ करने वाली हूँ, लेकिन इसमें एक ऑप्शन ये भी है कि आप इसको अगर अच्छे से सील कर दोगे तो आप इसको एज अ कोस्टर भी यूज़ कर सकते हो। बट अगेन मेक श्योर कि उसको बहुत अच्छे से सील करना है, क्योंकि जब हम कोस्टर यूज़ करेंगे इसके ऊपर, हम कोई भी कप और ग्लास रखेंगे, तो उसके वाटर जो होता है, जो मॉइस्चर होता है, वो हमारे काम को ख़राब ना करे। तो इसके लिए हमें हार्डकोर वार्निश ज़रूर अप्लाई करनी पड़ेगी। एंड ये जो कोस्टर है वो बहुत सुंदर लगते हैं और बहुत एक्सपेंसिव आते हैं मार्केट में, क्योंकि ये बहुत ट्रेडिशनल डिज़ाइन है और अननेसेसरी का ओवर प्राइस है ये। तो इस तरीके से मेरे मॉडपॉश यूज़ करने वाली हूँ मैं, उसके बाद एक शाइन आ जाएगी, और उसके बाद जब वो कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद उसको वार्निश कर सकते हैं। यहाँ पर जो मेरी वार्निश है वो थोड़ी मैट फिनिशिंग में थी, मैंने कभी ली थी बहुत पहले। यहाँ पर उसका कलर थोड़ा सा इसके ऊपर चढ़ गया, जो कि बिल्कुल बेकार हो गया, तो अगेन मैंने फिर इसको कलर किया। आई थिंक वो जो वार्निश का रीज़न था उसकी वजह से सब कुछ ख़राब हो गया। तो व्हाट आई डिड कि मैंने उसको वाइट कलरिंग किया पहले, फिर मैंने उसके बाद वापस से उसमें कलर ऐड किए। इसको और थोड़ा सा ब्यूटीफाई करने के लिए मैंने ये थोड़े से जैम सेट कर दिए हैं, और पीछे इस तरह के जो मैग्नेट बटन्स आते हैं उनको इस तरीके से अटैच कर दिया। ये रेडीमेड मिलते हैं, किसी भी क्राफ्ट स्टोर पे मिल जाएंगे। मैंने तो शायद ऑनलाइन ही मंगाया था। आई विल पुट द लिंक इन टू माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अगर आपको चाहिए तो आप देख सकते हो। amazon.in और .com दोनों का मिलेगा। तो इस तरीके से मैंने 3 पीस बनाए थे और ये बहुत सुंदर लग रहे थे, नो डाउट। कम मेहनत में एक बहुत अच्छा पीस बनके रेडी हुआ था, एंड वी ऑल आर हैप्पी। और जो मैंने जूल्स इसमें ऐड किए जो स्टिकर्स वाले होते हैं, इसने तो बस इसकी काया ही पलट दी, बहुत सुंदर लग रहे थे। फॉर माई नेक्स्ट DIY आइटम मैंने अगेन एक वुडन प्लान लिया है। ये प्लैंक जो होते हैं ये पूरे सेट में आते हैं, थिक वाले भी होते हैं, थिन वाले भी होते हैं। ये मेरे पास थिन वाला है, तो इसके लिए मैंने सोचा कि कोस्टर्स बनाकर मैग्नेट बनाती हूँ, अदरवाइज़ आप कोस्टर भी बना सकते हैं। या मैंने पिंक शेड लिया है, उसको मैं बेस कलर दूंगी, और उसके बाद मैं स्टिकर्स लगाऊंगी। जो भी स्टिकर्स मार्केट में मिलते हैं मैं वो लगाने वाली हूँ। बेसिकली मैं ट्रांसफ़र शीट लगाने जाती थी, जो ट्रांसफ़र शीट को हम डैब डैब कर देते हैं वाटर के हेल्प से, और फिर वो जो ट्रांसफ़र हो जाती है शीट हमारा डिज़ाइन, वो मुझे मिला नहीं यहाँ पर, तो मैंने ये वाले स्टिकर्स ले लिए हैं, बहुत ब्यूटीफुल से थे। किसी को अगर पता है कि US में ट्रांसफ़र शीट्स कहाँ मिलती हैं तो प्लीज़ लेट मी नो। ये मैंने हॉबी लॉबी से लिए थे, वो समरी और स्प्रिंगी है। इसमें काफ़ी अच्छे से डिज़ाइंस बने हुए हैं, काफ़ी अच्छे स्टिकर्स दिए हुए हैं, तो मुझे लगा ये बाइक लेती हैं, उसके अंदर फ्लावर्स भी हैं और ये काफ़ी सुंदर लगेगा, बिल्कुल समर अप्रोप्रिएट लगेगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसका ये हॉट एयर बलून भी निकाला, थोड़े से फ्लावर्स भी निकाले। अपनी इमेजिनेशन से हम अपने क्राफ्ट को रेडी करते हैं, तो जो हमें अच्छा लगता है, हमें लगता है कि हमें ये बना लेना चाहिए या उसमें ये ऐड करना चाहिए, इससे ये पीस अच्छा बन के आएगा। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल होना पड़ता है जब हम क्राफ्टी होते हैं। हमेशा चीज़ें अच्छी टर्न आउट नहीं होती है, दैट इज़ ट्रू। कभी कभी चीज़ें खराब भी हो जाती हैं, बट जब वो खराब होंगी तो डेफिनेटली हमें कुछ उससे लर्न होगा कि हमने कहाँ मिस्टेक किया था, क्यों उस तरीके से नहीं बनकर आया जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था। तो यहाँ पर स्पेस कम था, तो मैंने यहाँ पर एक बहुत छोटा सा नोट लिखा है, लव यू मॉम।
क्योंकि मैंने मदर्स डे पे बनाया था, बट यस ये कहीं पे भी और किसी भी ओकेजन के लिए बन सकता है। तो बस उसके बाद मैंने यहाँ पर यू नो मार्कर जो होते हैं उन्हीं के थ्रू मैंने इस पर कुछ डॉट्स ऐड कर रखे हैं, उससे फटाक से ना इसमें एक इंस्टेंट ग्रेस आ जाता है, बहुत अच्छा ग्रेस आता है। अगर आपको कुछ नहीं समझ नहीं आता ना तो पोल्का डॉट बनाओ। मैं तो इतना क्राफ्ट करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें मुझे बनानी आती भी हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि पोल्का डॉट इज़ द बेस्ट। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा हार्ट बनाया है, और अगर पोल्का डॉट के साथ तो मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे मेरे क्राफ्ट प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनके साथ मैंने पोल्का डॉट को डालकर उनको इन्हेंस किया है। थोड़ा सा इसको फिनिश लुक देने के लिए मैंने यहाँ पे गोल्डन मार्कर से इसके एजेस को थोड़ा सा कलर किया, रफ कलर किया, लेकिन वो इतना विजिबल नहीं हुआ तो मैंने बाद में ना चेंज कर दिया था। तो देन आई थॉट कि मुझे कुछ रेडिश या फिर ब्लैकिश कलर से करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही रेयरली दिखाई दे रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो लेट्स ट्राई विद रेड। वैसे भी इसमें पोल्का डॉट्स भी रेड आ गए थे, फ्लावर्स में भी कहना कि थोड़ा सा रेड है, तो वो काफ़ी अच्छे से ना उसके साथ इंडल्ज हो गया था और काफ़ी ब्यूटीफुल पीस लग रहा था ये। एंड आफ्टर दैट मैंने उसको सील कर दिया है मॉड पॉज की हेल्प से। इसमें हम वार्निश भी अप्लाई कर सकते हैं। और इस तरह के ना मैग्नेटिंग बटन आते हैं, इजी टू यूज़ होते हैं, उसको बस पील ऑफ करना होता है और जो भी ऑब्जेक्ट होता है हमारा उसके ऊपर इसको स्टिक कर देना है, दैट्स इट। वो आराम से हमारे फ्रिज पे लग जाएगा एज अ मैग्नेट, और फ्रिज पे हम इसको अच्छे से स्टाइल कर सकते हैं। तो ये आइडिया कैसा लगा बताना ज़रूर। इसको अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हो किसी भी ओकेजन के लिए, छोटे से कोट्स के साथ आप इसको किसी को प्रेजेंट भी कर सकते हो। और अभी आने वाले वीडियोस में ना काफ़ी सारे क्राफ्ट वीडियो देखने को मिलेंगे, क्योंकि समर ब्रेक चल रहा है तो मैं कहीं ना कहीं बच्चों को इन्वॉल्व करती रहती हूँ। नेक्स्ट DIY ना ये एक फ्रूट सेंटर पीस है, ये एक्चुअली बच्चों के लिए ही है। मैंने भी बच्चों के साथ ही किया था, वो इतने ज़्यादा इम्पल्सिव एक्साइटेड हो रखे थे कि मैं बहुत अच्छे से ना फिल्म भी नहीं कर पाई हूँ इस वीडियो को। बस एक आइडिया देने के लिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से कटआउट्स में आता है, इसमें सब कुछ दे रखा होता है, डबल साइडेड स्टिकर्स दे रखे होते हैं इसमें, टेप, तो उनको बस हमें पील ऑफ करना होता है और इनको टर्न करेंगे और वो उसमें एक शेप ले लेगा। इनको हम घर पे भी बना सकते हैं, आराम से बनाए भी जा सकते हैं। जो टिश्यू पेपर होता है उससे कट वर्क करके बनाया जाता है, बट यस उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ये भी बहुत एक्सपेंसिव नहीं था, $2 था। तो इसमें बस इसको इन्होंने पील ऑफ किया है और इसमें 3 शेप्स थे। मुझे सिर्फ ये एक ही सेट मिला था तो मैं एक ही लेके आई। इसमें ना फ्रूट्स दिए हुए थे, पाइनएप्पल, कैंटालोप और आई गेस लेमन, तो ये था। तो ये देखो इसको जिस तरीके से ये कर रहा था ना, ये इतना सेटिस्फाइंग था ना कि इन लोगों को तो यही करने में मज़ा आ रहा था। बस जहाँ देखा ना ये लोग ने वहीं शुरू कर दिया था इसको बनाना, इतने ज़्यादा इंपल्सिव हो रखे थे कि प्रॉपर यू नो टेबल पे रखकर भी बना सकते थे। तो मैं जब उसको फिल्म करती ना तो थोड़ा सा ज़्यादा प्रेजेंटेबल वो होता और अच्छा भी लगता। अभी तो जहाँ पे बैठे थे वो लोग ने फ्लोर पर ही बैठ के इसको बनाना शुरू कर दिया, तो उतने अच्छे से ना फिल्म नहीं हो पाया है, बट आपको मैं लास्ट में एक आइडिया दे दूँगी किस तरीके से लगता है। इसका यहाँ से ग्लू निकल गया था तो उसको मैंने वापस से ग्लू स्टिक से फिक्स कर दिया था। और ये इसके अनदर शेप्स के हैं फ्रूट्स, तो ये पाइनएप्पल है बड़ा वाला, और इसमें इस तरीके से स्ट्रिंग भी दे रखी है तो उसको आप हैंग भी कर सकते हो। अगर आप चाहो तो उसको सेंटर पीस बनाकर टेबल पर भी रख सकते हो। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। काफ़ी टाइम के बाद मैंने कोई DIY वीडियो आपके साथ शेयर किया है। DIY मैं करती रहती हूँ घर पे, बट हाँ वीडियो नहीं बन पा रहा था। अगेन मैं कोई क्राफ्ट वीडियो आपके साथ लेके आऊँगी, एंड शॉर्ट्स पे मैं थोड़ा बहुत वीडियो डालती रहती हूँ। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय फॉर नाउ।